या देवी श्रियाय माताजी सर्वभूतेषु ज्योतिर्रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एपिसोड के प्रायोजक हैं श्री नरेंद्र भाई चौधरी सरथुर, डायरेक्टर ब्यूटीफुल ग्रुप मुंबई। पिछले एपिसोड में आपने देखा आई माताजी नारलाई से प्रस्थान करते हुए भैसाना गांव में पधारती हैं। भैसाना गांव के तालाब पर कुछ शरारती ग्वाले मिलते हैं। माताजी उन ग्वालों के किए की सजा देते हुए उनकी भैंसों को पत्थर का बना देती हैं। उन भैंसों के पत्थर आज भी भैसाना गांव के तालाब पर मौजूद हैं, जिसका साक्षात प्रमाण आपने देखा। अब देखिए आगे। कुछ समय भैसाना गांव में रुककर मां ने वहां से नगर नगर और गांव गांव चलते हुए सोजत से बगड़ी और बगड़ी से बिलाड़ा पहुंचकर अपने देवीय चमत्कार से लोगों को सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा देती रही। सोजत से बिलाड़ा के प्रवास के दौरान जीजी माँ अपने नंदी के साथ पातलियावास गांव में पहुंचती हैं। रामा जी, बोलो बोलो भाई, तुम बोलो, आपस में क्या वार्ता हो रही है? वो मातेश्वरी, कुछ बताना चाहते हो तो निसंकोच बताओ। हे योग माया, आपके बारे में बहुत सुना है, आप क्षण भर में लोगों का दुख दर्द दूर कर देती हैं। हाँ माँ, हाँ। हम सभी भी आपके पास एक याचना लेके आए हैं। अच्छा, तो बताओ। हम लोगों के पास जमीन तो बहुत है, परंतु बारिश के दिनों में पानी की ज्यादा आवक से सारा पानी हमारे खेतों में चला आता है। बालू मिट्टी के साथ साथ हमारी सारी फसलें बहके भी चली जाती हैं। इसका कोई आप उपाय बताइए पानी रोकने का, ताकि हमारी फसलें खराब ना हो जाए। बस कुछ समय की बात है, इस समस्या का समाधान मैं आप सबको जरूर बताऊंगी, लेकिन थोड़ा आप लोगों को इंतजार करना होगा। प्रणाम माँ। नहीं बेटा, अब आप सब घर जाइए। और हाँ, जाते जाते मेरी मोजरी को जरूर छटक देना। चलते चलते आपके यहाँ के बालू मिट्टी बहुत घुस गई थी और मेरी पैरों में चुभन भी महसूस हो रही थी। जैसी आपकी इच्छा, मैं अभी छटक देता हूँ।
किसान माताजी की दोनों मोजड़ियों को अपने हाथों से झटक माताजी के पास वापस रख कर अपने घर चला जाता है। माताजी के दिव्य चमत्कार से उन रेत के कणों से रातों रात एक विशाल पाल का निर्माण हो गया। ऐसा अद्भुत चमत्कार देखकर ग्रामवासी अचंभित हो गए और माताजी के जयकारे लगाने लगे। वो पाल वर्तमान में आज भी वही मौजूद है। तो आइए जानते हैं उस स्थान के बारे में। जैसा कि आपने देखा, पातलियावास गांव के किसानों ने माताजी के द्वारा पहने जाने वाली मोजड़ी में रखी हुई रेत को जब जमीन पर छिड़का तो उन रेत के कणों से रातों रात एक विशाल पाल का निर्माण हो गया। ये आई माताजी की अद्भुत लीला ही थी। आई माताजी का ये अलौकिक रूप एक ऐसा दिव्य अवतार था जिसका प्रमाण 600 वर्षों के बाद आज भी हमें साक्षात देखने को मिलता है। जो ये पाल बनी हुई है, अपनी मोजी झड़की मोजी से बनी ये पाल, माता जी का यहाँ पर बहुत चमत्कार है। माता जी योग शक्ति मोजी झड़की जिन्हें यहाँ पाल बनी हुई। नारलाई में पुजारी को दिव्य दर्शन देते हुए अखंड ज्योत की स्थापना, जगाजी परिहार के यहाँ खूंटे का चमत्कार, डायलाना में किसानों के हल से बरगद का पेड़ व सूखे कुएं में जल का चमत्कार, भैसाना गांव में भैंसों को पत्थर बनाना जैसी कई अद्भुत लीलाएं आई माता जी ने अपनी दिव्य शक्ति से की, जिसका प्रमाण आज भी हमें देखने को मिलता है। यह संभवतः पहला ऐसा अलौकिक अवतार था जिसका प्रमाण आज भी हमें देखने को मिलता है। साथ ही उन सभी स्थानों पर माता जी के साक्षात होने का आभास भी हमें होता है। ऐसा ही एक और प्रमाण देखने के लिए आइए हम चलते हैं पातलियावास गांव में, जहां माता जी के चरणों की धूल से बनी वो पाल आज भी विद्यमान है, जिसे आम जनमानस में जीजी पाल के नाम से पुकारा जाता है। जीजी पाल तीर्थ के साथ कई सारे चमत्कार जुड़े हुए हैं। तो चलिए हमारे साथ और कीजिए इस महान तीर्थ के दर्शन। हम पहुंच चुके हैं जोधपुर के बिलाड़ा गांव में और यहाँ पे बहुत सारे चमत्कारिक स्थल हैं, तो मैं तो देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आई थिंक आप लोग भी बहुत एक्साइटेड होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ के जो चमत्कारिक स्थल हैं उनके इतिहास के पन्नों में देखा जाए तो बहुत सारी बातें हैं, तो आज हम उनको लाइव देखने वाले हैं। तो हो जाइए मेरे साथ तैयार। प्यारो लागे आई माताजी रो नाम, प्यारो लागे आई माताजी रो नाम। बिलाड़ा शहर से दक्षिण दिशा में करीब 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जीजी पाल तीर्थ धाम। मुंबई के नंबर वन ब्यूटीफुल स्टोर में आपका स्वागत है। अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के ब्यूटी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, मेकअप सेट, स्किन केयर, हेयर केयर के साथ 1000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स की रेंज उपलब्ध।
कम दाम, गारंटी और ऑफर के साथ। आपका विश्वास हमारी पहचान। ब्यूटीफुल स्टोर खार सांता क्रूज अंधेरी माटुंगा। श्री नरेंद्र भाई चौधरी सरथुर। यह है जी जी पाल आई माता जी मंदिर का विहंगम दृश्य। यात्रा की इस कड़ी में हम पहुंच चुके हैं जी जी पाल। तो चलिए आपको दिखाते हैं जी जी पाल। ये जो विशाल मंदिर आप देख रहे हैं, यह मुख्य पाल के ऊपर बना हुआ है। इस मंदिर के अंदर माता जी की एक विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है। यह वही पाल है जो माता जी की मोजड़ी से निकली बालू यानी रेत से बनी है। यह पाल उस दौर में हुए चमत्कार का साक्षात प्रमाण है जो यहाँ आने वाले भक्तों का मन मोह लेती है। माता जी ने अपनी दिव्य शक्ति से रातों रात यह पाल बनाई थी, इसीलिए इस स्थान को जीजी पाल का नाम दिया गया जो आज जग प्रसिद्ध हो चुका है। पहले ये हमारे पूर्वजों के टाइम खाली ये माता जी यहाँ आए थे, जो ये पाल बनी हुई है अपनी मोजी झड़की मोजी से बनी ये पाल। और ये यहाँ पर जो है ना पाल, ये पाल हमने ओरिजिनल पाल है, ये माता जी की मोजी से बनी जीत निकली सन, इससे ये ओरिजिनल बनी हुई पाल है। इसको हम ओरिजिनलिटी रखने के लिए ये आज की बात जो काम कर रहे हैं, और ये यहाँ पर कोई निर्माण कार्य नहीं करेंगे इस पाल। ये पाल इसीलिए हम ओरिजिनल ओरिजिनलिटी रखने के लिए हमने ये पाल रखी है जी ज्यों की ज्यों। यह जो सफेद संगमरमर का मंदिर आप देख रहे हैं, यह वर्तमान दीवान आई पंथ के धर्म गुरु माधव सिंह जी दीवान साहब के मार्गदर्शन में सीरवी समाज के भामाशाह व ग्रामवासियों द्वारा निर्मित निर्माणाधीन माता जी का नवीन मंदिर है, जहां निकट भविष्य में माता जी के दिव्य स्वरूप को विराजित करवाया जाना प्रस्तावित है। बहुत जल्द इस भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ध्यान साहब को और सब समाज के लोगों को बुलाकर या मीटिंग लेकर ये फिर वापस ये काम का ठेका दिया गया कि मंदिर का काम चल रहा है। मंदिर का कार्य चल रहा है करीबन 10-12 साल से, कभी भी काम बंद नहीं हुआ। पैसे की जब भी शॉर्टेज आई, यहाँ हमने कई बार परीक्षा देखी सर, आज पैसे नहीं है, मैंने एक दूसरे से पैसे उधार लिए, दूसरे दिन कहीं से भी रसीद कट गई, माता जी ने पैसे डलवा दिए और पैसे आ गए। अब बस 12 साल में काम बंद नहीं हुआ ही नहीं, कम रोज काम चल रहा है, सब दिन काम की कभी कमी आती नहीं, पैसों की कमी आती नहीं। माता जी का यहाँ पर बहुत चमत्कार है सर। यह है वह खेजड़ी का वृक्ष जिसके बारे में कहा जाता है कि माता जी ने इसी की छांव में बैठकर कठिन तपस्या की थी और अपनी अलौकिक लीला से रातों रात इस पाल का निर्माण किया था। यह अत्यंत प्राचीन मंदिर है जिसमें साक्षात आई माता जी विराजमान हैं। यहाँ आने वाले भक्त इस दिव्य अखंड ज्योत के दर्शन कर अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। इस जीजी पाल को लेकर अनेक कहानियां जनमानस में प्रचलित हैं। यहाँ के ट्रस्ट मंडल के मुखिया कहते हैं कि माता जी यहाँ आए थे, उस समय यहाँ विराजमान हुए तो धूप थी, धूप थी तो माता जी को कुछ गर्मी हुई तो अपना चिटिया ये खड़ा किया, उस चिटिया से ये बना हुआ परंपरा से खेजड़ा, ये 500-600 साल पहले से माता जी जिस टाइम यहाँ आया 1521 में, उस समय ये बना हुआ खेजड़ा है उसका। यह है नव निर्मित धर्मशाला का विहंगम दृश्य। लाल जोधपुरी पत्थरों से निर्मित हो रहा यह विशाल प्रांगण सिरवी समाज की सामाजिक एकता व अखंडता का जीता जागता नमूना है। इस प्रांगण में धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। बिलाड़ा गांव से दक्षिण दिशा में घने जंगलों में बना हुआ यह तीर्थ स्थल वर्तमान में एक अच्छे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। कहते हैं कि जब भी भक्त बिलाड़ा माता जी के दर्शन के लिए आते हैं
तो जीजी पाल के इस स्थान पर अवश्य आते हैं। यहाँ आने वाले भक्त पाल, खेजड़ी व अखंड ज्योत का दर्शन करना नहीं भूलते। कहा जाता है कि माताजी जब इस स्थान पर पधारी तब जीजी के स्वरूप में थीं, लेकिन जब उन्होंने यहाँ से आगे की यात्रा की तब माताजी ने अपने युवा स्वरूप को त्याग कर वृद्धा का रूप धारण कर लिया था। पातलिया वास से माताजी जब बिलाड़ा में पधारी तो लोगों ने उन्हें आई माता अर्थात बाहर से पधारी हुई माता कहा। तभी से माताजी का नाम आई माता जग विख्यात हुआ। मंगल मीडिया की ओर से आप सभी से अनुरोध है कि आप जब भी बिलाड़ा दर्शनार्थ पधारें तो जीजी पाल आई माताजी मंदिर पर अवश्य जाएं। धन्यवाद। जय माताजी री। अगले एपिसोड में देखिए माताजी पातलियावास से आज के धर्म नगरी के रूप में मशहूर बिलाड़ा शहर की ओर प्रस्थान करती हैं और बिलाड़ा में अपनी दैवीय शक्तियों से कई लीलाएं रचती हैं। तो देखते रहिए आई माताजी के जीवन चरित्र पर आधारित पहला हिंदी वेब सीरीज श्री आई माता रो दरबार हर रविवार शाम 7 बजे मंगल मीडिया चैनल पर।